हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी किस मुंह से प्रचार करने जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मेवालाल चौधरी जी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे, दूसरे शशि भूषण हजारी जी तो दिल्ली चले गए, और ये मेरा नहीं कहना बल्कि मेवालाल चौधरी जी के विधायक के ही जो कामकाज देखते हैं उनका आरोप था कि फोन करते रह गए लेकिन कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं लिया। नीतीश कुमार जी जाएंगे हवा हवाई, हम तो चैलेंज देते हैं नीतीश कुमार जी को कि थोड़ा कुशेश्वर स्थान पूरा विधानसभा जो तीनों ब्लॉक है जरा बाई रोड घूम के दिखा दे, तो जरा जा करके तीनों ब्लॉक में बाई रोड जरा घूम करके दिखाए, तो हवा से जाएंगे ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सब नेता जाते हैं, समय कम होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तेजस्वी लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं और आज से चुनावी जनसभा को तेजस्वी संबोधित करेंगे। राबड़ी आवास से तेजस्वी रवाना हो गए हैं। पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद भी तेजस्वी ने लिया है। इसके बाद तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि आरजेडी कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी और नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव ने दिया है। कहा है कि कभी कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के इलाके में सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग से जाकर को तो देखे, कमरतोड़ महंगाई के साथ साथ कमरतोड़ सड़क भी है। क्या कुछ कह रहे जरा आप सुनी। अब ये देखना है कहां से आ जाएगा, अरे पीछे करो, अब ये देखना है ये उपचुनाव जो हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी किस मुंह से प्रचार करने जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे? नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग में सबसे फिसड्डी राज रहा है और ये जो उपचुनाव हो रहा है ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने अपने एमएलए का इलाज तक नहीं करवाया। आज दोनों जगह उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि कोरोना काल में जो बद इंतजामी, कोई व्यवस्था स्वास्थ्य अस्पतालों में चिकित्सक वगैरह जो व्यवस्था होनी चाहिए ऑक्सीजन की, आईसीयू की, दवाओं की, पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। इस वजह से जो विधायक जो थे स्वर्गीय विधायक वो सब लोग जो थे प्राइवेट अस्पताल में थे। मेवालाल चौधरी जी पटना के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे, दूसरे शशि भूषण हजारी जी तो दिल्ली चले गए, और ये मेरा नहीं कहना बल्कि मेवालाल चौधरी जी के विधायक के ही जो कामकाज देखते हैं उनका आरोप था कि फोन करते रह गए लेकिन कोई अधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं लिया। तो नीतीश कुमार जी क्या जा करके बोलेंगे? 15 साल से विधायक उनका, NDA का MP, बिहार सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालत देख लीजिए, विकास जो है दूर दूर तक नहीं है। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, लेकिन दोनों जगह के विकास में अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से जो लोग हैं एकदम वहां तक विकास नहीं पहुंचा है उन तक। लोग परेशान हैं, लोग तो कहते हैं भाई कमर तोड़ महंगाई के साथ कमर तोड़ सड़क है, क्या स्थिति पैदा हुई है? और क्या जाकर के बोलेंगे कि भाई पिछले चुनाव में जो इनका घोषणा था इनके NDA का कि 19 लाख जो है रोजगार देंगे, कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया? किस मुंह से जा रहे हैं भाई चुनाव प्रचार में? तो हम लोग तो पंचायत पंचायत गांव गांव हम लोग घूमे हैं, लोग जो है ऊब चुके हैं, परेशान हैं, और पूरा हमें विश्वास है कि दोनों जगह से तारापुर कुशेश्वर स्थान से RJD के प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे। अब हम लोग जाते हैं तो ग्रामीण आते हैं, लोग सुनते हैं, अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार जी जाएंगे हवा हवाई, हम तो चैलेंज देते हैं नीतीश कुमार जी को कि थोड़ा कुशेश्वर स्थान पूरा विधानसभा जो तीनों ब्लॉक है जरा बाई रोड घूम के दिखा दे, तो बाई रोड जरा घूम के दिखा दे नीतीश कुमार जी। इतना सड़क का जाल बिछाया है
15 साल से आपके विधायक रहे हैं, आपकी सरकार रही, आपके एमपी रहे, केंद्र सरकार आपका, जरा जा करके तीनों ब्लॉक में बाई रोड जरा घूम करके दिखाए तो हवा से जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सब नेता जाते हैं, समय कम होता है तो। लेकिन आप तो चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री, चलो मुख्यमंत्री हो तो आपको तो और जाना चाहिए, विकास का जायजा लेना चाहिए। हर घर नल से जल योजना में क्या भ्रष्टाचार हुआ सब लोगों को पता है, और सीएजी के रिपोर्ट में तो 2 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं है बिहार सरकार का, कि 2 लाख करोड़ जनता का पैसा इन्होंने कहां खर्च किया, जाए इसका जवाब दें। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले आज एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी आज से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व की बात करें तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में तेजस्वी ने जनसंपर्क चलाया, पंचायत टू पंचायत का दौरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन आज तेजस्वी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पूर्व तेजस्वी ने बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है, तो आरजेडी कैंडिडेट की जीत का ऐलान भी तेजस्वी यादव ने कर दिया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।